अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे इस ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर देने हैं मई अप्रैल के एंड से और पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ होंगे, उनके लिए तो ये सुहाना मौसम किसी काम का नहीं है। तो आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए हर साल हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो इसी सिलसिले में एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए भी हम आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर्स कर रहे हैं। अब तक हमने आईकॉम पार्ट वन के अकाउंटिंग, बिजनेस, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं और पार्ट टू में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बैंकिंग आपसे शेयर किए हैं, जबकि साइंसेस के लिए मैथमेटिक्स आपसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे शेयर करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, जिसे उर्दू में कहते हैं उसूल तिजारत। फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके टोटल 26 चैप्टर हैं, लेकिन इस वीडियो के आखिर में हम आपको 10 से 11 चैप्टर्स बताएंगे उन बच्चों के लिए कि जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो 25 या 26 चैप्टर नहीं कर सकते या उनके लिए करना मुश्किल है। शॉर्ट क्वेश्चंस हों या लॉन्ग क्वेश्चन हों, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के लिए हम आपको 5 से 6 चैप्टर्स बताएंगे और शॉर्ट के लिए हम आपको 11 से 12 चैप्टर्स बताएंगे जो आप करके ईजिली 60-70% मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं 80-90%, उनके लिए हमारा पूरा गैस है, वो आप लाजमी देखिए और तैयारी करिए। और फिर पेपर्स के बाद आपने कमेंट्स लाजमी करना है कि पेपर में क्या ये सवालात आए हैं या नहीं आए और इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे फेडरल बोर्ड का या रावलपिंडी बोर्ड का, तो इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैंने जो पेपर्स देखे हैं 4 से 5, उन 5 के 5 में से 4 में से इसमें लॉन्ग आया हुआ है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने इसमें से करने हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो टाइप्स हैं जैसे प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकी डेफिनेशन आपने लाजमी तैयार करनी है। फिर कमांडेड और अनकमांडेड एक्टिविटीज़ आपने करनी है कि बिजनेस, और उसके बाद बिजनेस जो है वो हमारी सेविंग को कैसे प्रॉफिटेबल करता है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है, एक अच्छे बिजनेस की क्वालिटीज़ क्या है, मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, कारोबार शुरू करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। उस बाद क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस और क्वालिटी ऑफ गुड बिजनेस मैन, एक अच्छे कारोबार की क्या निशानियां हैं और एक अच्छे बिजनेस मैन की क्या निशानियां होती हैं। और आखिरी जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम चैप्टर 2 पे आते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने करना है, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, इसकी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और आगे 3 से 4 और टाइप्स हैं जिनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं, वो डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। कॉमर्स की डेफिनेशन, ट्रेड ऑक्सिलरीज, ट्रेड की टाइप्स जो हैं, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट, ये आपने कर लेना है। और कॉमर्स के बेनिफिट क्या हैं, और प्लस इस चैप्टर के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपने किसी भी सूरत छोड़ने नहीं है। लॉन्ग में आप ट्रेड ऑक्सिलरीज वाला कर लेना है जो कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग में, और साथ ही साथ आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी करना है लॉन्ग, उनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। चैप्टर नंबर 3 सोल ट्रेडरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में से शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से 2 आने के चांसेस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से वो लाजमी पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो वो पूछेगा वो मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप,
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल ट्रेडरशिप वो आपसे पूछेगा, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास सोल ट्रेडरशिप की डेफिनेशन आनी चाहिए, लीगल स्टेटस ऑफ द सोल ट्रेडरशिप, सोल ट्रेडरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इसको एक्सप्लेन करें, और टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ द ओनर सोल ट्रेडरशिप में होता है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो सोल ट्रेडरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप, सोल ट्रेडरशिप की तरह पार्टनरशिप भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप की टाइप्स, पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, शिरकतुल इनान, शिरकतुल वजूह, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स करने हैं सोल ट्रेडरशिप के, पार्टनरशिप डीड क्या है इसके कंटेंट करने हैं, उसके बाद पार्टनर्स की टाइप्स कितनी हैं, काइंड्स कितनी हैं, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक टाइप पूछ लेगा कि सीनियर पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, और लॉन्ग में भी वो पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और पार्टनरशिप आपने करना है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक लॉन्ग आने का ज़्यादा चांसेस है इस बार, और चैप्टर 3 और 4 सोल लीडरशिप और पार्टनरशिप इन दोनों में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा इम्कान है इन पेपर्स में। उसके बाद हमने चैप्टर 5 और 6 को एक साथ जोड़ा है क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड हैं और इसमें से भी कभी कभार आपको लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आ जाता है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको एक दो नज़र आएंगे। करने कौन कौन से हैं, सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉमन सील कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी में उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, सिंगल मेंबर कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं, मुदारबा कंपनी कौन सी है, मुशारका कंपनी कौन सी है, प्रोस्पेक्टस क्या है, शेयर्स की टाइप्स आपके पास क्या क्या है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में डिफरेंस क्या है और कैपिटल किसे कहते हैं और कैपिटल की टाइप्स कितनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो पूछ सकता है आपसे जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की टाइप्स, चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 वो आपसे पूछ सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं लेकिन लॉन्ग में वो ज़्यादा पूछता है, नाम देखकर भी पूछ सकता है और वो पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के वो एक्सप्लेन कीजिए। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसका चैप्टर नंबर 7 है, इसका ताल्लुक भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ है, इसमें आपने डायरेक्टर की डेफिनेशन करनी है, स्टैचुटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स देखने हैं, रेजोल्यूशन की आपने टाइप्स देखनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ये शॉर्ट में भी आपसे कुछ पॉइंट पूछ सकता है कि डायरेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है और किन बुनियाद पर डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है। कंपनी की मीटिंग्स के बारे में आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और वाइंडिंग कंपनी की कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड्स हैं, क्या टाइप्स हैं, वो आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसका चैप्टर नंबर 8 है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्ग उसने एक आध बार पूछा है पिछले 5-6 सालों में, तो आ सकता है, इग्नोर हम इसको नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल कहाँ से आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मेंबर्स की तादाद कितनी है और इसके लाइबिलिटीज क्या होती हैं मेंबर्स की। लॉन्ग क्वेश्चन में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट्स या डीमेरिट्स आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 9 होम ट्रेड शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें मीडियम एक्सचेंज देख लेना है, टाइप्स ऑफ होम ट्रेड देख लेनी है, इंक्वायरी लेटर, कोटेशन लेटर, टेंडर और क्रेडिट नोट। अगर उसने लॉन्ग में कोई क्वेश्चन दिया तो वो आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड पूछ सकता है। फिर हमने चैप्टर 10 और 11 को कंबाइन किया है क्योंकि ये होम ट्रेड की टाइप्स हैं, होलसेलर और रिटेल ट्रेड। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इन दोनों की डेफिनेशंस करनी है, दोनों के फंक्शन करने हैं, होलसेलर की टाइप्स आपने कर लेनी है, हॉकर किसे कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, चेन स्टोर क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने होलसेलर और रिटेल ट्रेड का डिफरेंस आपने पूछना है और होलसेलर जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को
जो कि क्वेश्चन नंबर टू है चैप्टर नंबर 10 का, आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फंक्शन ऑफ द रिटेलर, डिफरेंस बिटवीन होल सेल एंड रिटेल ट्रेड क्या होती है, आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। उसका चैप्टर नंबर 12 है फॉरेन ट्रेड, लॉन्ग उसने एक दफ़ा पूछा है इसमें, तो लॉन्ग आप फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड का डिफरेंस लाजमी कर लीजिए, और उसका जो प्रोसीजर है फॉरेन ट्रेड का वो आपने लाजमी देखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका बिल ऑफ लेडिंग है, इनवॉइस है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एंट्री है और बिल ऑफ साइट है। चैप्टर 13-14 इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड, इन दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, अगर उसने दिया भी तो इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड का डिफरेंस वो आपसे पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्स शिप प्राइस है, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स, डिलीवरी ऑर्डर, इंडेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से लॉन्ग आने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए हमने आपसे चैप्टर 15 से लेकर 20 तक के लिए एक ही पैनल हमने बनाया है। चैप्टर 15 में आपने ब्रोकर, अंडरराइटर, फैक्टर, डेल क्रेडिट एजेंट, क्लियरिंग एजेंट की शॉर्ट डेफिनेशंस कर लेनी है। चैप्टर 16 में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन और क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। चैप्टर 17 में बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मुशारका और मुदारबा। ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर आपने पूरा कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें। इंश्योरेंस वाले में इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, मेरीन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की टाइप्स आपने कर लेनी है। वेयर हाउसिंग के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद चैप्टर 23 है कैश रजिस्टर क्या होता है और इंटरकॉम सिस्टम किसे कहते हैं। इसी तरह फाइलिंग सिस्टम की क्वालिटीज क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, टाइप्स क्या है फाइलिंग प्रोसीजर की। उसके बाद आर्क है, वर्टिकल है, इंडेक्सिंग क्या होता है, इसके मुख्तलिफ मेथड्स कौन कौन से हैं और कार्ड इंडेक्सिंग किसे कहते हैं। चैप्टर 26 में ऑफिशियल रिमाइंडर किसे कहते हैं, अनऑफिशियल नोट क्या होगा और इंडोर्समेंट हमारे पास क्या होता है। चैप्टर 15 से लेकर 26 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं वो चैप्टर नंबर 15 के राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, चैप्टर 16 के क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन, चैप्टर 17 के टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपने प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर 24 में टाइप्स ऑफ फाइलिंग आपने कर लेना है और इंडेक्सिंग के बारे में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने दोनों मस्ट प्रिपेयर कर लेने हैं। और चैप्टर नंबर 26 में ऑफिशियल लेटर के बारे में वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सिर्फ पास होने वाले बच्चे हैं, तो पास होने वाले बच्चे याद रखें कि चैप्टर नंबर 1 आपने लाजमी करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 2 आपने लाजमी करना है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स, चैप्टर 3 सोल लीडरशिप, चैप्टर 4 पार्टनरशिप, 5 और 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। मतलब पहले 6 चैप्टर तो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं, 7वां आपने छोड़ देना है, चैप्टर नंबर 8 आपने प्रिपेयर कर लेना है लाजमी। उसका चैप्टर 10 और 11 आपने करना है, 9 छोड़ देना है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। उसके बाद फॉरेन ट्रेड आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, चैप्टर 13 और 14 कर लें। इन सब के बाद आपने आना है इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस वाला चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन आपने पूरा करना है, फाइलिंग सिस्टम के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने पूरा करने हैं और फाइनेंस वाला चैप्टर आपने पूरा कर लेना है। तो ये तकरीबन आपके पास चैप्टर बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11 चैप्टर बनेंगे। इनके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। चैप्टर नंबर्स में आपको एक दफा फिर बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 10, 11, उसके बाद चैप्टर 12, चैप्टर 13, 14, उसके बाद चैप्टर नंबर 15, चैप्टर 17, चैप्टर नंबर 24 और चैप्टर नंबर 26। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स या उसूल तिजारत के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का गेस था, और साथ ही साथ हमने आपको 11 से 12 चैप्टर्स बताए हैं जिनके आप शॉर्ट और लॉन्ग कर लें तो आपके 60-75% मार्क्स आ सकते हैं। तो पेपर देने के बाद फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि इस गेस में से आपका पेपर कितना आया है। और इस वीडियो के इख्तिताम पर मेरी यही दुआ है,
कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।